नमस्कार मित्रों, आज 24 फरवरी है, तो 24 फरवरी से संबंधित आज हम करंट अफेयर्स को देखते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे मैं नई वीडियो लोड करूँ उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए। तो देखते हैं आज 14 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है? ये तमिलनाडु घोषित किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानस्वामी, और तमिलनाडु में जो है ये 32 जिले हैं। इस क्षेत्र में खेती के साथ साथ कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को एकीकृत बायोरक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दी है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला देखते हैं। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये पांडिचेरी बना है, जो पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी खुद है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी और राज्यपाल यहाँ के हैं किरण बेदी हैं। अलग देखते हैं। देश में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और सरोजिनी नायडू जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। सरोजिनी नायडू ने 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम, 1917 में ब्रोकिंग विंग की रचना नामक ये पुस्तक की रचना की थी। और इसमें जो है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। देश में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है? ये डॉक्टर के खंडेलवाल हैं। इस पुस्तक के भी मोस्ट आगे एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ये बंगलुरु में हुआ है, ये कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये भोपाल में हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली विदेशी भाषा की फिल्म कौन है? ये पैरासाइट है, ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है। ये 92वें ऑस्कर समारोह हुआ है, जो कि अभी हुआ है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो क्वीन फिनिक्स को दिया गया है ये फिल्म जोकर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है रेनी जेलवेगर को ये जूडी फिल्म के लिए दिया गया है। अगला देखते हैं। पहले एशियाई और दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता जिन्होंने 92वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, ये है बोंग जून हो। पैरासाइट फिल्म का निर्देशन इन्होंने ही किया है, ये दक्षिण कोरिया के हैं। अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पठन अभियान की शुरुआत की है? ये हरियाणा ने शुरू की है और ये 10 फरवरी 2020 से इसका शुभारंभ हुआ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? रेडियो और विविधता, रेडियो एंड डायवर्सिटी इसकी जो है थीम है, और उद्देश्य क्या है? जनता और रेडियो के बीच रेडियो जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने हेतु जागरूकता फैलाना। साल 1912 में प्रथम रेडियो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था, ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। अगला देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई? ये 11 फरवरी 2020 से हुई। यह जो है 18 दिनों तक चलेगा, जो 28 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा। उद्देश्य क्या है इसका? देश की जनता के बीच भावनात्मक एकता के परंपरागत ताने बाने को और मजबूत बनाना है, ये तो उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की
समृद्ध संस्कृति तथा विरासत, खान पान, हस्तकलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करना है। और ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आयोजन हो रहा है, भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। ये मोस्ट है, आगे एग्जाम के लिए खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट शहर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाला प्रथम शहर कौन है? ये अहमदाबाद है, जो कि ये गुजरात का, गुजरात की पूर्व राजधानी है। तो गुजरात की वर्तमान राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। स्मार्ट शहर अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई है। अगला देखते हैं, बिम्स्टेक DMX 2020 यानी बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 को कहाँ शुरू किया गया है? मोस्ट है आगे एग्जाम के लिए। ये भुवनेश्वर या पुरी में शुरू किया गया, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ये 3 दिवसीय अभ्यास है और ये जिसका दूसरा संस्करण है, दूसरा अभ्यास है। इसका विषय क्या है? एक कल्चर हेरिटेज साइट दैट सफर सेवर डैमेज इन द अर्थक्वेक एंड फ्लडिंग एंड स्टार्म। इसमें 5 देश प्रतिभागी हैं, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका आयोजन जो है 11 फरवरी 2020 से होगा, हो रहा है 11 फरवरी 2020 से हो रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही मुक्तोश्री क्या है? मुक्तोश्री क्या है? मोस्ट है, ये चावल की एक प्रजाति है, जो कि पश्चिम बंगाल की जो कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते में संशोधन किया है? ये श्रीलंका के साथ किया है। श्रीलंका की राजधानी जो है, ये पुरानी राजधानी कोलंबो है और नई राजधानी जो है श्री जयवर्धनमपुरे कोट्टे, ये वर्तमान राजधानी है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई हैं। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय नारीवादी विद्वान और कार्यकर्ता को डैन डेविड पुरस्कार 2020 जीता है? ये गीता सेन ने जीता है। गीता सेन जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर हैं। और ये जो डैन डेविड पुरस्कार जो है 3 श्रेणी में दिया जाता है। नंबर 1 सांस्कृतिक संरक्षण एवं पुनरुद्धार श्रेणी, ये अतीत की श्रेणी से कहते हैं। दूसरा है लैंगिक समानता, ये वर्तमान श्रेणी इसको कहते हैं। और तीसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भविष्य की श्रेणी कहते हैं। सुश्री सेन यानी गीता सेन को वर्तमान श्रेणी में सुश्री डिनिज के साथ दिया गया है। डिनिज जो है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में कार्यरत है। यह पुरस्कार मई 2020 में तेल अबीब में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। और तेल अबीब जो है ये इसराइल का एक शहर है, ये इसराइल में स्थित है तेल अबीब, यहाँ के एक शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हाल ही में स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान चलाया है? UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र हायर कमीशन फॉर ऑफ रिफ्यूजी। ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग ने चलाया है। ये मोस्ट है आगे एग्जाम के लिए, मोस्ट है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया है? ये जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल ने शुरू किया है, जो कि ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है ये शीतकालीन राजधानी है। अभी 31 अक्टूबर 2019 को जो है संघ शासित प्रदेश घोषित हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगला देखते हैं, 7 मार्च 2020 से कौन सा भारतीय हिल स्टेशन राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? ये गुलमर्ग करेगा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, तो ये करेगा। अगला देखते हैं, 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये गांधीनगर में किया जाएगा, जो कि गुजरात की राजधानी है। तो गुजरात की बात है तो गुजरात जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। इसका आयोजन जो है 17 फरवरी से 22 फरवरी 2020 तक होगा। और ये 13वां राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का शुभंकर क्या है? ये शुभंकर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पक्षी को चुना गया। धन्यवाद मित्रों आज के लिए,
मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं नई वीडियो लोड करूँ उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।